अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मैं आज आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त चटपटे खट्टे बैंगन लेकर आई हूँ। बैंगन बनाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है उसे नोट कर लें। यहाँ पे सबसे पहले मैंने 5 अदद प्याज ले लिए हैं दरमियाने साइज़ के, उसे चॉप कर लिया है। पिसी हुई मिर्ची मैंने 1 चम्मच ली है। 1/2 चम्मच मैंने नमक लिया है। 1/2 चम्मच हल्दी ली है। 1 छिटाक मैंने इमली 1 छिटाक इमली ली है और उसको भिगो दिया मैंने। 1/2 किलो मैंने आलू ले लिए हैं और 1/2 किलो ही मैंने बैंगन ले लिए हैं। बैंगन को हम काट लेंगे इस तरीके से, नीचे से इसका थोड़ा सा कट कर देंगे। और इसको 3 हिस्सों में कट करेंगे, इस तरह से 3 हिस्सों में ऐसे कट कर लिया और एक फिर बीच में कट लगा देंगे। इसमें हम मसाला भरेंगे, वो भी मैं बताऊंगी किस चीज़ का मसाला भरेंगे। इस तरीके से अगेन हम 3 कट लगाएंगे और फिर बीच में भी कट लगा देंगे। इसी तरीके से हम सारे बैंगनों को कट कर लेंगे। हमने जो बैंगन काटे हैं उसके अंदर जो मसाला हम भरेंगे वो मैं बता देती हूँ। 2 चम्मच हम चाट मसाले की डाल रहे हैं। इसकी रेसिपी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। ये होममेड चाट मसाला है। ये 2 चम्मच हमने डाल दिए। इसके अलावा 1 चम्मच हमने मिर्ची की डाल दी। 1/2 चम्मच हमने नमक की डाल दी। 2 चम्मच हम सूखे धनिया की डाल देंगे, ये छोटी वाली हैं। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे और उसके बाद हम इसमें भरेंगे, ठीक है, बैंगन में। ये जो हमने 5 दरमियानी साइज़ की प्याज ली थी, अब हम इसको 1 कप ऑयल में फ्राई करेंगे। ज़्यादा इसको फ्राई नहीं करना, प्याज़ों को हम थोड़ा कच्चा कच्चा ही रखेंगे, ब्राउन नहीं कर लें। इसके अलावा हमने ये 5 दरमियानी साइज़ की टमाटर भी काट लिए हैं। अब हम इसमें मसाला भर लेंगे। आलूओं को हमने इस शेप में काट लिया, ठीक है, 1/2 किलो आलू थे। ये हमारे प्याज जो हैं ये देख सकते हैं, थोड़े थोड़े बिल्कुल वाइट भी हैं और ब्राउन भी हैं। अब हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। इसी के साथ हमने जो 1 चम्मच मिर्ची ली थी वो भी ऐड कर देंगे। 1/2 चम्मच नमक था वो भी। 1/2 से थोड़ी कम हमने चम्मच हल्दी ली थी वो भी डाल देंगे। अब हम इनको पेस्ट बनाएंगे। प्याज, टमाटर, नमक, मिर्ची और हल्दी को हम 5 मिनट तक पकाएंगे, थोड़ा पेस्ट बन जाएगा इसका जब तक। अब हम इसमें आलू भी ऐड कर देंगे। इसके साथ ही हम 1 कप पानी का भी ऐड कर देंगे। आलूओं को हम पहले डालेंगे क्योंकि आलू गलने में टाइम लगाते हैं। बैंगन को हम थोड़ी देर बाद डालेंगे। अब हम इसको ढककर रख देंगे 5 मिनट के लिए। यहाँ ये हमारे 5 मिनट हो चुके हैं। हमारे टमाटर इसमें से गल चुके हैं, पेस्ट बन गया इसका। अब हम इसमें इमली का पानी डाल देंगे। 1 कप हमारा ये इमली का पानी है, गाढ़ा गाढ़ा सा। अब हम इसको डाल देंगे। ये हमारे चटपटे बैंगन बन रहे हैं, खट्टे, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। अब हम इसमें बैंगन भी डाल देंगे। हमने बैंगनों को डाल दिया है। अब हम इसको हल्की आंच पे पकाएंगे। 15 से 20 मिनट तक ये पकेंगे हल्की आंच पे। ये हमारे थोड़े बैंगन गल गए हैं, इसमें हम हरी मिर्ची भी डाल देंगे। हरी मिर्च को मैंने इस तरीके से बीच में से चीरा दे दिया। अब ये मैं हरी मिर्च भी इसमें डाल दूंगी।
6-7 हम हरी मिर्ची डाल देंगे। और इसको 5 मिनट के लिए और पकने के लिए रख देंगे। ये हमारे बैगन रेडी हो गए हैं, हमने इस पर धनिया भी डाल दी है। व्यूवर्स अभी ये हमारे आलू बैगन रेडी हो चुके हैं, बहुत ही मज़ेदार चटपटे से बन गए हैं। ये हमने इसके ऊपर धनिया भी डाल दिया है। अगर आप मेरे इस चैनल पे न्यू हैं और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आई हो तो शेयर एंड लाइक करना नहीं भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।